तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद। तो अभी मेरा एक दोस्त है और नितेश दुआ मिस्टर, वो आ रहे पिक करने के लिए। तो चले अभी चलते हैं। One hour later. साहब करा रही बात है। Please, please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Look at him. एक और है। ब्लॉग बनाइए तो। अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। अब तुमने फीमेल मॉडल बनना है। नहीं दी, मैं नहीं कर सकता। तो मैं जितना अपने नोटा ब्लॉग बनाया जा, यादगिरी की रही होता। अच्छा। वो जीरो, पूरे मारो जीरो वे नवे। वो जीरो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जीरो वे नवे इनका तो जी आये यादगिरी रही होते। है वर जीरो आये। हाँ। जीरे के। क्या तकलीफ है इनको? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। जी गिरोगा? जी गिरो। तो अभी हम आ पहुंचे रेलवे स्टेशन पे और अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद। गांधीधाम से हमारा एक और दोस्त चलेगा जिसका नाम हैदर है। Two hours later. भाई इतनी जल्दी आके इसलिए बैठा हूँ ताकि सीट रोक सकूँ। मुझे मेरे और मेरे दोस्त के लिए समझ में आया, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता वरना दूसरों को पता चलेगा, वो भी सीट आके रोक लेंगे। ठीक है, कौन कौन ऐसा करता है कमेंट करके बताना। ये तो कुछ समझ के परी है, बिल्कुल ही समझ के परी है। जमीन पीछे क्यों जा रही है? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? अच्छा, फाइनली ट्रेन चल पड़ी। ओके, लेकिन कोई है नहीं क्या भाई? हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। ओके, तो गाइस आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिरकार अहमदाबाद जा क्यों रहा हूँ। नहीं तो मैं अहमदाबाद जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछले कई साल से मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री अटकी पड़ी थी, खास उसके काम से मैं जा रहा हूँ। उससे ग्रेजुएशन तो मैं कब का हो चुका, लेकिन जो मार्कशीट थी उसमें थोड़ा नाम का थोड़ा प्रॉब्लम था और वही काम है आज। और आप देखेंगे आपको अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कैसी है वो अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो और मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर दो। काफ़ी बवाल चीज़ है भैया कोरोना। कोरोना ने तो पूरी लोकल ट्रेन ही खाली कर दी। देखो सही, लगता नहीं मेरे अलावा कोई होगा यहाँ। तो दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं अहमदाबाद। मैं और मेरे दोस्त आप देख सकते हो पीछे खड़ा है और अभी जो कौशिक परमार है वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, उनके घर पे हम जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे उस। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं वे टू यूनिवर्सिटी। तो अभी जो हमारे दोस्त है कौशिक भाई, उनके ऑफिस पे हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं उनके ऑफिस किस तरह है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप उनके पास से बुक्स वगैरह सब मंगवा सकते हो। जो वेबसाइट है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। चलिए देखते हैं इनका ऑफिस। Thank you.
फाइनली दोस्तों मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ और मेरा जो काम था वो कागजात जो मेरे बाकी थे वो सब हो चुका है। और यहाँ पहुँचने के लिए कितना हम शायद कालूपुर रोड से आए हैं यहाँ से, तो कालूपुर रोड से अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी SG हाईवे शायद गूगल मैप के हिसाब से 18 किलोमीटर होता है शायद, आप एक बार कंफर्म कर लेना। ओके हमारे हिसाब से 18 किलोमीटर होता है वो, फिर डिस्टेंस पे सब होता है ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे देखने लायक कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कभी आप आओ तो यहाँ पे ज़रूर घूमना। तो अभी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे ये पूरा कैंटीन है, कैंटीन आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ये पूरा कैंटीन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का, कितना बढ़िया कैंटीन है देख सकते हो। अभी कोरोना की वजह से ये सब बंद पड़ा है मे बी शायद, ये देख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। अभी हम चलते हैं आगे और क्या क्या है देखने के लायक आपको दिखाते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जो मेन गेट है वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप अंदर आते ही देख सकते हो कि बुद्ध भगवान की प्रतिमा रखी हुई है और साइड में काउंटर्स वगैरह है। तो यूनिवर्सिटी में देखने लायक बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा इसका कैंपस है, पीछे जो आर्ट वर्क है आप देख सकते हो, थोड़ा नज़दीक लेके आपको आर्ट वर्क दिखाते हैं। ओके आ जाइए। अच्छा ये ऑडिटोरियम है, जो ये आपको मैप दिखाने वाली ऑडिटोरियम है पूरा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का। दोस्तों ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम कश्यप, देख सकते हो क्या कलाकारी ऊपर, स्वामी विवेकानंद, फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का लोगो और भी बहुत कुछ, बाबा साहेब की जो चित्र है यहाँ पे, योगा। थोड़ा ऑडिटोरियम देखते हैं हम किस तरह है अंदर। वाह ये पूरा ऑडिटोरियम का अंदर का हिस्सा है, जबरदस्त पूरा इसका कैंपस है, कितना बड़ा है देख लो। अभी जितनी ये आगे दिखाई दे रही उतनी पीछे है, दाएं हैं बाएं हैं और यहाँ आगे की तरफ है यूनिवर्सिटी पूरी। आप स्टार्टिंग में आए गए तो आपको सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसका लोगो और बाबा साहेब की प्रतिमा आपको दिखेगी, आपको थोड़ा दिखाते हैं चलिए। दोस्तों एक ख़ास बात आपकी इसकी मैं बताता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो ये यूनिवर्सिटी है इनके कई जगह पे सेंटर्स चालू है, खास करके मैं भुज से आया हूँ तो भुज में है, आदिपुर में, कच्छ में इनके सेंटर्स है। तो आप घर बैठे बैठे भी कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, या फिर वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, बैचलर एक्सवाइजर कोई भी कोर्स कर सकते हो। इनकी बुकलेट आती है, वो बुकलेट लेनी होती है आपको सेंटर से या फिर यूनिवर्सिटी से अगर आप यहाँ से हो तो, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका।